एक स्कूल में एक छात्रा के द्वारा छात्रा के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया था, जिसमें कि एक अनस नाम का व्यक्ति स्कूल में घुसकर छात्रा को परेशान कर रहा था। जब मामले की गहनता से जांच की गई तो इस व्यक्ति के खिलाफ थाना रेल बाजार में भी पहले से 3 मुकदमे इसी प्रकरण में कायम है। वो इस छात्रा को काफी दिनों से परेशान कर रहा है। तत्काल थाना नौबस्ता में अभियोग पंजीकृत कर अनस को गिरफ्तार करने के लिए कई टीमें लगा दी गई। कल दिनांक 8 जनवरी 2023 को अनस को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस प्रकरण में कठोरतम वैधानिक कार्रवाई अनस के खिलाफ की जाएगी। इसमें गुंडा की कार्रवाई कर उसे जिला बदर भी कानपुर पुलिस के द्वारा किया जाएगा।